हेलो गुड आफ्टरनून, कैसे हो सब। सो ब्लॉक 3 या ब्लॉक 4 मुझे याद नहीं है कौन सा है। सो आज अपन जा रहे हैं सीपी। तुम्हें पता है सीपी दिल्ली की मोस्ट हैपनिंग प्लेस है एंड वहाँ पे हम एक बहुत ही बढ़िया सा कैफे में जाने वाले हैं। कैफे नहीं, रेस्टोर समझ लो, रेस्टोर का बहुत ही तगड़ा और ढाबा टाइप लुक दे रखा है। तो मैं जाता हूँ फटाफट सीपी और तुम्हें दिखाता हूँ कि आज अपने दोस्तों के साथ मैं कौन सी बढ़िया जगह रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और तुम्हें पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो ताकि ऐसा कॉन्टेंट और पेज पर आता रहे। तो भाई लाइक यूजुअल अभी सेक्टर 10 पे हूँ मैं, मेट्रो पकड़ेंगे और सीपी जाएंगे टू अवॉइड द दिल्ली ट्रैफिक। सो मिलता हूँ मैं तुमसे सीपी पे। सो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं, मैं जहाँ पहुँचना था सीपी में देसी वाइब्स पे। तो यहाँ पे अभी आपको पूरा मैं व्यू दिखाऊंगा एंड देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या खाने के लिए, और हमारे मित्र सखागण भी आ चुके हैं तो आपको उनसे मिलवाएंगे हम। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा कैसा रहेगा यहाँ पर डाइनिंग एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून। हम लोग सीपी पहुंच चुके हैं जहाँ पहुंचना था देसी वाइफ्स। इनसे पूछते हैं अब तक इनको डेकोर कैसा लगा। हाँ जी आशिमा एंड पलक बताओ क्या व्यूज आपके देसी वाइफ्स के। क्या वाई वाई देसी वाई वाई देखो आशिमा तो बिल्कुल देसी बन के आ रखी है, बिल्कुल सूट वूट पहन के यहाँ पे गिद्धा पा देगी। यहाँ पे हमारे दूसरे मित्र बैठे हैं जो कि बिजी हैं अपने सखियों से। तो आगे हम देखते ही लग रहा है कि हम पंजाब जैसी कोई जगह में आ चुके हैं, बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ देसी है। आप देख सकते हो डेकोर, देखो अमृतसर पंजाब संगीत। ये देखो आपको पीछे दिखाता हूँ, आपको ठेका ठुका सब कुछ है। तो यहाँ पे आओ और आउटडोर दिखाओ यार, आउटडोर देखो बढ़िया ओल्ड मतलब दिल्ली का बढ़िया व्यू मिलेगा तुम्हें, बिल्डिंग दिखेगी। चलो ठीक है, मिलते हैं तुमसे खाना ऑर्डर करने के बाद, देखते हैं क्या क्या है खाने में हमारे पास। तो गाइस फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट हमारे पास खाना आ चुका है। दही के कबाब है, नॉनवेज प्लेटर भी था वो खा चुके हैं, तो इतना ही बचा हुआ है और ये भी चिकन तंदूरी। सो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा है भाई। आप टेस्ट करो, टेस्ट करो ज़रा दही के कबाब थोड़ी बस थोड़ी खाएंगे। आप टेस्ट करेंगे दही के कबाब में, टेस्ट करते कैसे हैं। वेज के हिसाब से चाहिए, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मज़ा आएगा। अब चिकन टिक्का ना मतलब बेहतर का था, चिकन तब खा चुका था। उसके बाद अफगानी भरवा टंगरी, अफगानी भरवा टंगरी, तो ये थी 599 की। आपको दिखाता हूँ देखो, ये कुछ ऐसी है, ठीक है इसे ट्राई करते हैं कैसे है खाने में। भाई आगे बताओ कैसे है, ये बताएगा खाते बहुत गर्म है। इसने बोला बहुत गर्म है, स्वाद बताना स्वाद कहते हैं, गर्म तो सही है, आंखों में पानी गले ना गर्म है। खाते काली ज्यादा देते हैं, मलाई वाले हैं हम, जस्ट कुकिंग भी है खाने में ना, बहुत स्वाद है, थोड़े गर्म से जल्दी खा लिए बट स्वाद होता है। तो हमारे नॉर्थ इंडियन स्टार्टर्स था, एक बार खाना बहुत महंगा है यहाँ पर, तो अगर जेब में पैसा होगा तभी आना वरना तुम्हारी बाबू नाराज हो जाएगी अगर बिल पे नहीं कर पाओगे। तो इसको हम खत्म करते हैं और देखते हैं मेन कोर्स में हमारे लेके आए, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। देसी वाइफ तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी है आज, इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है जाने की। हमने खाना खा लिया है और अपने देखा था हमने जो ट्राई किया था, इसके अलावा मेन कोर्स भी हमने दाल मखनी बनाया था, पुलाव बनाया था, खाना बहुत टेस्टी था। ओनली फीडबैक इस खाना थोड़ा महंगा है, महंगा है, कॉस्टली है। अगर आप आओ
तो थोड़ा देख कर आना, क्योंकि यहाँ पर हर स्टार्टर थोड़ा 500 प्लस है, ये खर्चा थोड़ा कॉस्टली है, तो पर खाना बहुत अच्छा, खाना बहुत अच्छा है, जेन्युइनली नॉनवेज बहुत अच्छा है, वाइब्स अच्छी है, देसी वाइब्स है, विलेज वाले फील है, लाइक अमृतसर आप कहीं गाँव में आ गए हो, ऐसी थोड़ी वाइब्स है, तो आप एक बार यहाँ पे जरूर ट्राई करें, तो आ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो गाँव में खाना इतना महंगा होता है, दिल्ली है ना, दिल्ली का गाँव है ना। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, ऐसी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ऊपर मेरा हैंडल आ रहा होगा उसे फॉलो कर लेना ताकि वहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ जाए, और मिलता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो। भाई को अभी जाना है, जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, मौज लो रोज लो, नाम ले तो खोज लो, सी यू।